हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी मेलामाइन पॉलिश है, लेकिन हमारी मेलामाइन पॉलिश की फिनिशिंग ऐसी है कि आपको पीयू पॉलिश दिखेगी। जी जी। इसी के कारण हम लोग वाटर प्रूफिंग की भी गारंटी दे पाते हैं कि पानी से गीला कपड़ा आप मारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मैं एक उंगली से शायद उठा नहीं पाऊंगा। फोम की क्वालिटी, अगर उसको ऐसे प्रेस करो एकदम उठ जाए तो फोम बढ़िया, अगर उस पर हल्का सा गड्ढा भी आ जाए तो लो क्वालिटी। बिल्कुल, आपकी चाबी लगती है, यहाँ तक कि आपकी अगर उंगलियां लगती हैं, नेल्स लगते हैं, तो जब उसकी ऊपर की परत उठ रहे तो नीचे भी पीयू ही हो, सेम पीयू हो। अगेन मैंने जो आपको बताया था, इसमें हमने जड़ से पीयू करी है। इसके ऊपर आप कुछ ठंडा रखते हैं, गर्म रखते हैं, इसके ऊपर स्क्रैचेस आने की चांस ही नहीं है। इसमें आपको पूरा इस पर वाइट पीयू होना है, इन्हीं कस्टमर्स का है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस पर मैट पीयू की जा रही है। तो हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, और आज हमारे साथ होंगे दिल्ली के जाने माने इंटीरियर डिजाइनर मिस्टर अनमोल। और आज हमें ये बताएंगे कि बेड्स लेते समय या अपने घर का फर्नीचर लेते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इनके स्टोर का नाम है क्राफ्टेजिंग डेकोर, और ये लोकेट करता है एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर दिल्ली में। और यहाँ आपको आपके घर के लिए हर तरीके का फर्नीचर मिल जाएगा, क्योंकि सर की इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए कि मैं अगर अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एक बार फिर हमारे साथ है इंटीरियर डिजाइनर मिस्टर अनमोल। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। तो सर आपके पास आता हूँ, हर बार कुछ नया बताते हैं, कुछ नया दिखाते हैं। जी, लास्ट टाइम आपने दिखाए थे सोफास, मतलब कॉम्पैक्ट, मतलब स्पेस सेविंग आप जी दिखाए थे ना? जी। तो आज क्या नया दिखा रहे हैं और क्या नया बता रहे हैं और साथ में क्या नई टिप्स दे रहे हैं? सर आज हमने बेड्स पे फोकस किया है। काफ़ी कस्टमर्स की बेड्स की बहुत मेजर रिक्वायरमेंट रहती है, हर घर में मुझे लगता है कि बेड सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके बाद सोफाज आते हैं और लास्ट में डाइनिंग टेबल्स आते हैं। अच्छा। ज़्यादातर घरों में, आपको छोटे घरों में डाइनिंग टेबल्स काफ़ी दिखते ही नहीं, बेड हर घर में दिखेगा आपको। तो आज की वीडियो बेड्स पर हमने फोकस की है, उसमें बेड्स आपको हम साइड्स भी दिखाएंगे, हम अपनी स्टूडियो में भी, एक नया स्टूडियो जो हमने जगह आपको मैंने दिखाई वहाँ पे भी हमारी जो बेड्स लगे हैं पूरे डिस्प्ले में वो दिखाएंगे, यहाँ तक कि हमारी फैक्ट्री में भी बेड्स दिखाएंगे। उसमें हमने पूरे फुल फैब्रिक के भी दिखाए हैं, जो मैंने आपको रेकमेंड किया था कि फुल फैब्रिक के नहीं लेने चाहिए, लेकिन कुछ कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मैंने दिखाए हैं कि उसकी लुक कैसी निकल के आती है। और मैंने आपको फैक्ट्री में वो बेड भी दिखाया है जिसमें ऊपर आपको बॉर्डर्स डालने चाहिए सागवान के, जिससे आपकी बेड की लाइफ बढ़ जाएगी और अच्छी लुक भी निकल के आएगी, उसकी बेटर लुक आती है। ठीक है। लाइक विद बॉर्डर्स अ बेड लुक्स मच बेटर कंपेयर टू फुल फैब्रिक। तो वो भी आपको मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा, और मैं आपको अलग अलग प्राइस रेंजेस भी दिखाऊंगा कि आपका कैसे एक बेड 25,000 का भी कॉस्ट कर सकता है, 30,000 और 50,000 का भी वो सेम बेड कॉस्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको HDHMR की चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको, मैं MDF, PU पॉलिश, जीवन जोड़, मेलामाइन, बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आज मतलब बहुत कुछ नया बताने वाले हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, पहले तो हमने हमेशा प्लाई का बताया जी, फोम का बताया जी, आज आप HDHMR के बारे में बताएंगे और PU जो बता रहे एशियन उसके बारे में बताएंगे, साथ साथ जीवन जोड़ जो मेलामाइन का सबसे बेस्ट माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, वो भी दिखाएंगे जी सर। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से या उस वाले फ्लोर से? हमारे उस वाले फ्लोर से शुरू करते हैं। ठीक है सर, चलते हैं वहाँ पर। आइए। एक्चुअली जब भी हमारा कोई एक ऑर्डर आता है, हम क्लाइंट्स को चाहते हैं कि हम पूरा उनको बेड एक फिट करके उनको उनके मैट्रेसेस के साथ पूरा ठीक से दिखाएं डिस्प्ले, जैसा उनके घर पे दिखेगा। जी जी। तो आइए हम कुछ ऑर्डर्स के बेड देखते हैं जो हमारे इस वीक के ऑर्डर्स आए हैं क्लाइंट्स के। ये एक बेड है जो छतरपुर जाने वाला है, ये पूरा डर्टी पिंक में एक बेड है और नीचे पूरी स्कर्टिंग चल रही है रोज गोल्ड की स्ट्रिप्स की। यूजुअली हम, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं कि एक बॉर्डर लें वो यूजुअली बेड के आसपास, जिसमें कि उनकी टी कोड या फिर पीयू पॉलिश उनकी दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी मेलामाइन पॉलिश है, लेकिन हमारी मेलामाइन पॉलिश की फिनिशिंग ऐसी है कि आपको पीयू पॉलिश दिखे। जी जी, एकदम सही बोला आपने। आपकी जो हमारी ग्लॉस आती है या फिर शाइन आता है उसमें बिल्कुल, काफी कस्टमर्स पूछते हैं कि आपने पीयू करी है, हम बोलते हैं नहीं, हमने सिर्फ इस पे मेलामाइन ही करी है, और हम प्राइसेस भी मेलामाइन वाले ही लेते हैं। जी जी। इसका रीजन सर दो है, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक तो होता है कारीगर, कि कौन सा कारीगर काम कर रहा है, ये 2-3 साल पुराना कारीगर है या 25-30 साल के एक्सपीरियंस का कारीगर है। दूसरी चीज सर, जो हम पॉलिश और उसकी मशीन यूज कर रहे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है। पॉलिश हमारी सारी जीवन जोड़ होती है मेलामाइन पे होने वाली। इसके अलावा जो मशीन होती है वो काफी हैवी यूज होती है, कि जिससे स्प्रे पेंट बहुत अच्छा निकल के आता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है उसकी। जी जी। तो आपने एक बात बोली कि आपकी मेलामाइन
पीयू को फेल करती है, बिल्कुल, बिल्कुल। फेल करती है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है उस मार्केट में चमक दिखनी चाहिए, लोग बोलते हैं कि भाई ये पीयू है ये पॉलिएस्टर, राइट राइट ठीक है। और जो आपने जीवन जोड़ बताया मेलामाइन, वो मेरे ख्याल से अभी मार्केट में सबसे महंगा मेलामाइन वही है जीवन, बिल्कुल सर। एक्चुअली इसी पॉलिश के कारण हम लोग पूरे एनसीआर में जाने जाते हैं। हम लोग आज के समय होलसेल में ही नोएडा, मुनिरका और यहाँ तक कि गुड़गांव की काफी फर्नीचर मार्केट्स में भी सप्लाई करते हैं शोरूम्स को। ठीक, बहुत बढ़िया। हमारे मेलामाइन फर्नीचर की जो पॉलिश है और पीयू की जो पॉलिश है, हमारे इसी के कारण हम लोग पूरे एनसीआर में शोरूम्स को सप्लाई करते हैं जी। तो दिखा दिया ग्लॉस, मेलामाइन में भी पीयू जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरा टी कोड में जा रहा है सर, जैसे अभी आपने रेशे देखे होंगे सागवान के, ये पूरा सागवान की बॉर्डर है इसमें। इसके अलावा अगर आप प्राइस की इसमें बात करें तो प्राइस मैं कहूंगा कि इन बेड्स का 30,000 से शुरू हो जाता है, लेकिन जिन्होंने ये कस्टमर ने ये लिया है उनके लिए ये बेड 40,000 का था। आप पूछेंगे कैसे जी, वो अभी नहीं, आगे पूछूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा, मेरे को पता बहुत लोग कमेंट करेंगे कि 20,000 का बेड भी आता है, बिल्कुल। तो यहाँ तक कि मैं सर ये भी कहूंगा कि हमारे पास भी 20-25,000 के बेड्स हैं। देखिए तो उसके डिफरेंस बताएंगे क्यों मार्केट में 20,000 का मिलता है और क्यों आप 30-35-50 का बेड देते हैं, ठीक है। बिल्कुल, पहले इस बेड के बारे में बात करते हैं सर। ये आपको जैसा कि देख रहा होगा ये वी शेप बेड है, एक हमने रिसेंटली एक ये डिज़ाइन पिंटरेस्ट से बनाया था कि अपने कस्टमर्स के लिए इंडिया के। ये पूरा गोल्डन पीयू में बेड हमने बनाया है और ये एशियन पेंट्स की पूरी गोल्डन पीयू हुई पड़ी है इस पर। इस पर हम लोग बॉक्सेस में यूजुअली तीन ऑप्शंस देते हैं सर। आप वाइट पीयू भी ले सकते हैं, कुछ कस्टमर्स को वाइट पीयू ज़्यादा अच्छी लगती है। आप गोल्डन पीयू भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ी रॉयल लुक देनी है अपने बेड को और यू नो थोड़ी रिच लुक ज़्यादा देनी है। आपको अगर सेम फैब्रिक की लुक देनी है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन उस पर मैं अगेन रेकमेंड करूंगा कि आप पीयू पॉलिश का एक बॉर्डर चला लीजिए। उसका रीजन एक बार बता दीजिए जल्दी सर। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने कस्टमर्स को यही बताया था कि काफी लोग इस तरीके के बेड्स प्रेफर करते हैं जिसमें पूरा फैब्रिक होता है, उनको अच्छा लगता है कि पूरी फैब्रिक पे हाथ जाए। बट द प्रॉब्लम विद दिस लुक इज अगेन कि आपका यहाँ पर जब आपका पूरा फैब्रिक लगता है तो आपका फैब्रिक गंदा भी ऊपर से ही होता है। जब आप चढ़ेंगे आपका पैर लगेगा, जब आप उतरेंगे आपके हाथ लगेंगे और इसकी पूरी लुक खराब हो जाएगी आपके बेड की। ठीक है, तो व्हाट आई वुड रेकमेंड कि आपका यहाँ पर पूरा बॉर्डर एक आए पीयू पॉलिश का या फिर मेलामाइन पॉलिश का, जो फिर उसको लाइफ दे सकता है। ये मैं आपको अगेन एक डिजाइन फैक्ट्री में दिखाऊंगा जहाँ पे हमने पूरा एक बॉर्डर बनाया हुआ और बीच में फैब्रिक है उसके। अब कुछ लोग मेरी तरह सोचे, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि सर फैब्रिक गंदा होता है तो प्यू पॉलिश भी खराब हो जाती है, उस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं जी। उसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया था आपने, क्या बताया था वो बता दीजिए सर। मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि पीयू पॉलिश में स्क्रैचेज तब आते हैं जब आप सस्ती पीयू पॉलिश लेते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। मार्केट में आपको यहाँ तक कि 25-30,000 के भी बेड्स मिलते हैं जो इस पर पीयू पॉलिश करके बोलते हैं वो कि और पीयू पॉलिश ले लीजिए। देखिए, अगर आप एक वॉल पेंट करा रहे हैं और मैं उस पर नीचे सिर्फ बेस चलाकर उस पर एक कोट डालकर एशियन पेंट्स का या बर्जर का आपको कह दूं ये वॉल पेंट हो चुकी है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। वॉल में उसको ही अच्छी पेंट मानूंगा जिस पर कम से कम 2-3 कोट सेम पेंट चढ़ा है। जब उस पर स्क्रैचेस चले, मान लीजिए आपकी चाबी लगती है, यहां तक कि आपके अगर उंगलियां लगती हैं, नेल्स लगते हैं, तो जब उसकी ऊपर की परत उठ रहे तो नीचे भी पीयू ही हो, सेम पीयू हो, तो उससे आपके स्क्रैचेस दिखेंगे नहीं। और ये तभी हो सकता है जब 4 कोट एटलीस्ट पीयू पॉलिश के पड़े हो। ठीक है, और एक बात और, फैब्रिक ऊपर से कटा फटा तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, पॉलिश में क्या होता है हल्का सा यहाँ पे आपका स्क्रैच है कुछ हुआ तो हल्के से टचिंग हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाती है। तो आपने एक चीज बताया कि आप तीन ऑप्शन देते हैं, या आप ये ऐसे ग्लिटर पीयू ले लीजिए किसी भी कलर में, या ये व्हाइट पीयू ले लीजिए, या फैब्रिक ले लीजिए। जी जी, ठीक है जी सर। इसमें क्या प्राइस डिफरेंस रहता है अगर पूरी वाइट पीयू या ग्लिटर पीयू लेते हैं या पूरा फैब्रिक लेते हैं? सर अगेन मेरा रेकमेंडेड जो मैं क्वालिटी रेकमेंड करता हूँ या ये जो क्वालिटी लगी है हमारे बेड्स की, उसके हिसाब से 35,000 इसका प्राइस रहता है। ठीक है, इस बेड का। इसके अलावा आपका जो बेड इसके ऊपर आप जा सकते हैं 40,000-45,000 भी जा सकते हैं, हर चीज चेंज कर कर, और नीचे भी जा सकते हैं जी। ठीक है, तो उसे अब उस बेड पे चलते हैं जो फुल अपहोल्स्टर्ड है आपका। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं पे भी पॉलिश नहीं है और कहीं पे भी फुल कवर्ड है जी। बिल्कुल सर, इसकी क्वालिटी की अब बात करते हैं, जो आप अपने बेड में क्या क्वालिटी लगाते हैं सर। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि काफी सारे चीजें होते हैं जिससे कि हम लोग भी कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, और मतलब हमें, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें इस लाइन में एटलीस्ट 45 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे दादाजी ने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया था, तो पूरी इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स और यहाँ तक कि विद लेबर, विद एवरीवन, कि कहाँ से कौन सा मटेरियल लेना है, किस तरीके से कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट बढ़ाना है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता जी।
अब मान लीजिए इसी बेड की अगर मैं बात करूं कि इसका हमने मान लीजिए कॉस्ट बढ़ाना है, तो मैं इसकी फोम की क्वालिटी बढ़ा दूंगा, इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बढ़ा दूंगा, जो भी प्लाई यूज हो रही है उसको ब्रांडेड ग्रीन प्लाई में ले आऊंगा, सेंचुरी में ले आऊंगा, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट कम करना है उसी तरीके से मैं फोम की क्वालिटी घटा दूंगा, फैब्रिक घटा दूंगा, प्लाई कम कर दूंगा, प्लाई की क्वालिटी खराब गिरा दूंगा, डीको अंदर से जगह प्राइमर कर दूंगा या छोड़ दूंगा उसको, उससे कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इस बेड में क्या किया है हमने, एक तो फैब्रिक की क्वालिटी, इसमें जूट फिनिश का फैब्रिक यूज किया है, इसमें आप दिखा सकते हैं, इसमें जो फैब्रिक यूज हुआ है इसमें जूट फिनिश आ रही है जी जी। इस पूरे फैब्रिक में ये पूरा सुएड है, लेकिन छूने में आपको सुएड जैसी फील देगा, सॉफ्टनेस देगा, लेकिन देखने में आपको पूरी जूट फिनिश देगा। दूसरी चीज, जो फोम इसमें यूज हुई है सारी, सर ये सारी एचआर की फोम है, इसको छू के भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो कॉर्नर्स पे भी जिसको यहाँ पे लगे कि वो उनको लग सकती है, ये देखिए इसकी फोम देख सकते हैं आपकी कितनी ज्यादा इसमें मोटाई है फोम में, और ये सारी एचआर की फोम है। ठीक है, हाँ, क्योंकि फोम की क्वालिटी अगर उसको ऐसे प्रेस करो एकदम उठ जाए तो फोम बढ़िया, अगर उस पर हल्का सा गड्ढा भी आ जाए तो लो क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उतनी कम डेंसिटी की फोम यूज हुई है, अगर उस पर गड्ढा आता है बैठने पे या दबाने पे, तो वो कम डेंसिटी की फोम यूज की गई है। अब मेन बात आती है इसका स्ट्रक्चर, जो इसका मतलब किस प्लाय में बना हुआ है या प्लाय कटिंग में बना है, किस मतलब किस चीज में बना हुआ है। सर मैं आपको सिर्फ इस बेड की नहीं, हमारे जितने भी बेड्स बनते हैं जो रेकमेंडेड हमारी क्वालिटी होती है, मैं उसका आपको एक बेस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। हमारे जितने भी फैब्रिक्स यूज होते हैं बेड्स में, सबकी रेंज रफली 300-350 यहाँ तक कि 400 रुपीज मीटर जाती है, ये यूजुअल कस्टमर्स को 600-700 भी पड़ जाती है। जीएसएम में बात करें तो मिनिमम क्वालिटी 350-400 जीएसएम। ठीक है, फोम जो भी यूज होगी 50 डेंसिटी एचआर फोम यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्लाईवुड यूज होती है सर, जो साइडों में सारी प्लाई लगेगी वो 18 mm मिनिमम लगेगी, जहां पर हमें कमर्शियल बोर्ड यूज करना होगा वहां पे 19 mm मिनिमम होगा, जो टॉप का जो टॉप स्ट्रक्चर जो होगा उस पे 15 mm, मतलब 15 mm की हमारी स्ट्रेंथ इतनी है होती है सर कि इस पे 10 लोग खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एसी बॉक्स के ऊपर। इसके अलावा जी उसको उठा के दिखा दीजिए, और वो भी सिर्फ एक उंगली से दो उंगली से, तो वो पता लग जाएगा क्या वेट है उसमें। सर मैं एक उंगली से शायद उठा नहीं पाऊंगा, ये उठेगा नहीं। ये देख मेरी उंगलियां कांप रही हैं। दो जगह करिए सर, ये नहीं उठेगा दो उंगलियों से भी, मतलब आप देख सकते हैं कि मेरी थोड़ी शिवर कर रही है उंगलियां, ये नहीं उठेगा, और जबकि मैं रोज जिम जाने वाला आदमी हूँ। वही कह रहा हूँ जी, जो प्लाय का हमेशा वेट, बिल्कुल वेट बताता है कि क्या क्वालिटी आपके सर, प्लाई एमएम से ज्यादा काफी कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें 18 mm चाहिए, यहाँ तक कि हम 18 mm भी सेम प्राइस में आपको दे सकते हैं। मैं आपको ये चीज नहीं बोलूंगा कि 18 mm मत लीजिए या 15 mm बेटर है, 18 mm आपको सेम प्राइस में पड़ जाएगी, बट लेकिन जो हम 15 mm की जो हमें क्वालिटी मिलती है दैट इज मोर देन सफिशियंट की फॉर अ बेड। इसके अलावा सर जहां पे भी हमारी वुड यूज होती है पूरे बेड में, वन टू ऑल सारी टीक होती है, यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट्स लगते हैं, जो नीचे जो पैर लगते हैं, लेग्स आती हैं, काफी लोग घाना लगा देते हैं, मरंडी लगा देते हैं, हमारी सारी की सारी टीक वुड यूज होती है सर। ये मैं आपको फैक्ट्री में भी दिखाऊंगा अपने एक नीचे बॉक्स खोल के दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, इसमें हमारा नीचे डीको किया गया है पूरा बॉक्स में, डीको का आप अलग कलर भी ले सकते हैं, इसमें हमारा ब्राउन डीको है, सेम प्राइस में हमने पिछली वीडियो में ग्रे दिखाया था, जो मेरे को ज्यादा डार्क ग्रे जी, तो आप कस्टमर्स अगर हमारे डार्क ग्रे चाहें तो हम डार्क ग्रे भी कर सकते हैं, ये हमने इसमें ब्राउन किया क्योंकि ये पूरा ब्राउन शेड में जा रहा था ये बेड, तो ग्रे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। आपने एक उंगली से उठाया था, दो उंगली से उठाया था, और ये 15 mm है जी, और मैं कहता हूँ कि अगर आप बाहर लेने जाते हैं प्लाई कटिंग में लेने जाते हैं ना जी, या 18 mm प्लाई भी लेने जाते हैं, तो उसको एक या दो उंगली से उठा के देखना जी, जो भी ये देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा ये क्वालिटी क्या है वो क्वालिटी क्या है। सर ये 15 mm उस 18 mm से हैवी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लोग खड़े हो सकते हैं क्योंकि इसके नीचे टीक वुड की सपोर्ट है। ठीक है, इसी तरह मैं इसके ऊपर भी खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी खड़ा होना नहीं चाहूंगा वीडियो के लिए, मैं कस्टमर्स अगर आके खड़ा होना चाहे तो वो हो सकते हैं। अभी अभी हर जगह इसमें 18 mm प्लाय है या कुछ बोर्ड वोर्ड भी मिक्स है कुछ? सर जो बैक होती है, जो बैक सपोर्ट है उसके ऊपर 19 mm कमर्शियल बोर्ड मिक्स है जी, कमर्शियल बोर्ड। ठीक है, तो अभी ये बेड कितने का है? सर ये बेड आपको इसी क्वालिटी में 40,000 पड़ेगा, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी में जो रेकमेंडेड क्वालिटी जो मेरी रहती है वैसे उसमें 35,000 ही पड़ेगा। ठीक है, ये किसी कस्टमर ने अपनी क्वालिटी कुछ इंप्रूव करवाई है, क्योंकि जहां पर वो बोलते हैं कुछ इंप्रूव करने को, उनकी फोम अगर स्लीप वेल चाहिए या फिर अगर उनको जो फैब्रिक है वो ज्यादा एक्सपेंसिव चाहिए, तो उसके साथ हम उनको इंक्रीज प्राइस भी बता देते हैं। ठीक है, अब ये जो एक अलग सा डिजाइन है जी, फुल कवर दोबारा बैक पर बॉर्डर आ गया हमारा पॉलिश का, बिल्कुल बताइए इसका। सर ये अगेन पूरा गोल्डन पीयू है, इसमें आपका नया डिजाइन थोड़ा दिख रहा होगा, ये पूरा डार्क
ग्रे कलर में नॉन इम्प्रेशन प्रिंट में, जिसपे इम्प्रेशन इजिली नहीं पड़ते हैं, है। ये फैब्रिक भी 350 टू 400 GSM का है, ठीक है। और इसकी भी क्वालिटी वैसी ही है बॉक्सेस की, 15 mm की प्लाई है और नीचे सारा टीकवुड का सपोर्ट है। इसका तो प्राइस, जी सर बताइए बताइए, इसका प्राइस सर अगेन रेकमेंडेड क्वालिटी में 35 रहता है, लोएस्ट आप 30 भी जा सकते हैं थोड़ी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके, और 40,000 भी जा सकते हैं टॉप प्राइस, ठीक है। तो 30 क्या कॉम्प्रोमाइज होता है क्वालिटी में? सर फैब्रिक की क्वालिटी में सबसे पहले इम्पैक्ट आता है, जो ये फैब्रिक की क्वालिटी है वो आपको 30 में नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा क्वालिटी में आप फोम में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और हमने कस्टमर के लिए इसमें डबल कोट्स चलाए हैं सर, जो हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड कोट होती है जो भी पीयू का, उससे हमने डबल कोट्स करे, एक्स्ट्रा कोट्स करे हैं पीयू के इस पे, कि यहाँ तक कि सर ये इतनी स्ट्रॉन्ग पीयू है इस पे कि अगर आज से अगले 5 साल तक वो रोज इस पे गीला कपड़ा मारते हैं, इसकी चमक तभी भी नहीं बैठेगी सर, ठीक है। इसकी पीयू की जितने हमने इसमें कोट्स डाले हैं उसका रीजन ही यही है सर, कि इसमें इसका स्पार्कल दिखाने के लिए, यहाँ तक कि इस पे जो चमक लानी है वो दिखाने के लिए, इस पे लाइट्स पड़ती हैं तो सर इसकी बेड की लुक आपको अभी भी दिख रही होगी कि पूरी निकल के आती है, चमक आ रहा है इसमें पूरी पीयू में। जी देखो जी, आंखों से मतलब दिख रहा है पर मेरा कैमरा हर बार कैप्चर नहीं कर पाता, मैं क्या करूंगा, नहीं समझ आता। नहीं तो चीज वाकई में बहुत अच्छी है, उसका ग्लिटर मेरे को दिखा कैमरे में, हल्का हल्का दिखा जी सर, वो नहीं कैप्चर हो पाया जी, ठीक है। तो अभी ये बेड आपने बताया कितने का दे रहे हैं आप? 35 में इसकी रिकमेंडेड क्वालिटी आपको रिकमेंड करूंगा, कि इसमें जो क्वालिटी आपको बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है इस फैब्रिक में और इस बेड में, इसमें आपको 35,000 में आपको ये बेड अच्छा मिल जाएगा जी। ये बहुत प्यारा बेड रहा होगा आपका जी सर, क्या कलर है एकदम जी, बताइए इसके बारे में। सर ये बेड पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन पीयू पॉलिश में है, इसमें एक डिस्काउंट है, बट मैं डिस्काउंट की प्राइस पे आने से पहले इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि इसमें फैब्रिक क्या लगा है, कैसी को हमने डिजाइन लाए हैं और इसकी जो पीयू पॉलिश है सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेड 8 feet का है, इसका जो लेंथ है इसकी 8 feet है, इसमें 9 feet का वेरियंट भी आता है बट 8 feet ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो साइड टेबल्स हैं ये पूरी बेड के साथ मैच कर रही है, आप साइड टेबल्स की लुक भी देख सकते हैं, ये साइड टेबल्स बिल्कुल बेड के साथ पूरी पूरी मैच करती हैं, कि पूरा इसका एक पेयर लगता है। इसके अलावा अंदर पूरा बॉक्सेस में डीको अगेन किया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप इसका। इसमें जो फैब्रिक है उसके साथ हमने पीयू मिलाने की कोशिश करी है कि बिल्कुल पीयू उसके साथ लुक में आए, ना इस पे व्हाइट है ना इसमें गोल्डन है, जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, ठीक है। मैं इस बेड के साथ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पीयू हम आप हमारे साथ किसी भी कलर में ले सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप स्काई ब्लू कलर का लेना चाहें, अगर स्काई ब्लू कलर का आपका फैब्रिक है और आप डार्क ब्लू कलर का पीयू लेना चाहते हैं उसके साथ मिक्स करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा हल्का सा बेबी पिंक कलर का आप शेड ला रहे हैं और मैरून कलर का पीयू रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पीयू की हम आपको एशियन पेंट्स की पूरी फाइल दिखाते हैं, उसमें से आप कैसे भी रंग का पीयू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कलर ऑप्शंस बहुत है जी, जैसा आप सोचोगे वैसा यहाँ बन जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। इसमें बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को, बैक पे तो चलो नॉर्मल कोई भी, मैक्सिमम जो हर कोई मैंने देखा है कि प्यू प्लस ये गोल्डन स्ट्रिप्स और साथ में ये हमारा फैब्रिक आ जाता है जी, पर ये मैंने हाफ प्यू हाफ फैब्रिक फर्स्ट बिल्कुल देखा। मैंने जो फर्स्ट टाइम देखा जी, नहीं तो फुल फैब्रिक होता है या फुल प्यू होता है इसमें, हमने नीचे प्यू सर एक और रीजन के कारण चलाया है, कि काफी ज्यादा लोगों के घरों में जब घर में आसपास चल रहे होते हैं तो वो पैर मारते हो जाते हैं बेड्स को, नीचे से बेड उनके खराब हो जाते हैं जी, ठीक है। तो इसमें हमने नीचे भी पीयू पूरा किया और इसको एक अलग लुक देता है, इसके अलावा पोचा भी लगता है कभी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फैब्रिक गंदा ना हो इसके कारण ये सीधा पीयू पे लगेगा और उससे फैब्रिक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी पीयू की क्वालिटी कैसी है कि कपड़े से पानी से खराब नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो पूरी लुक है फैब्रिक की, इसमें पूरी फैब्रिक पे भी डिजाइन देख सकते हैं आप जो साइड्स में और आगे चल रहा है, इसमें कहीं पे भी हमने प्लेन फैब्रिक यूज ही नहीं किया है, बिल्कुल इसमें पूरी तीनों तरफ आपको डिजाइन देखेंगे फैब्रिक जी सर। अगेन साइड टेबल तो काफ़ी सुंदर है, प्यू की क्वालिटी तो मैंने पहले बता दी थी और दिखा भी दी थी, और जय सर ने बताया कि जी लेयर्स 4 कम से कम जो बिल्कुल बिल्कुल आपने बताई जो बिल्कुल सर, इसी के कारण हम लोग वाटर प्रूफिंग की भी गारंटी दे पाते हैं कि पानी से गीला कपड़ा आप मारें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे प्यू में। तो अभी इस बेड का क्या प्राइस दे रहे हैं, जो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट लेके जाएगा और जो इसके बाद कभी भी ऑर्डर करते हैं उसका क्या प्राइस सर? जो फर्स्ट ऑर्डर देता है इस बेड का उसके लिए प्राइस 45,000 रहेगा विद 2 साइड टेबल्स, इसी पीयू की क्वालिटी में, इसी फैब्रिक में और इसी ब्राउन डीको में, ठीक है। और जो सेकंड कस्टमर्स होंगे उसके बाद जिनके पास ऑप्शन कस्टमाइज करने का होगा फैब्रिक की क्वालिटी भी और फैब्रिक भी उसका कलर भी, उसके साथ उनके लिए प्राइस 50,000 रहेगा फॉर द एंटायर सेट, ठीक है।
ठीक है, और आप कभी इसमें लैमिनेट लगवाना चाहते हैं तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी रहता है वो सर आपको ऑन कॉल बता? बिल्कुल सर, वो तो बहुत बेसिक मिनिमम रहता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है अगर आप लैमिनेट भी लगाना चाहें। बट जो हमारी डीको की क्वालिटी है वो इतनी है कि आपको कोई इश्यू आता ही नहीं है। ठीक है जी सर। तो अभी जो आपने पहले दिखाए थे अभी वहाँ पर अपने स्टोर पर, अपने उस स्टोर पर जी जो बेड थोड़े फ्रंट और बैक रह गए थे उसके बारे में बात करें जी, उससे पहले ना ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ये शीशम वुड का हमारा डाइनिंग टेबल जी, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा जी, इसके बारे में थोड़ा ये देख सकते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक छोटे अपार्टमेंट्स के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में हमारे सोफाज का बताया था कि हमने छोटे अपार्टमेंट्स को काफी टारगेट किया है इस बारी, इसमें हमने छोटे अपार्टमेंट्स में फोर सीटर काफी उनके लिए उनको पसंद है, तो और हमने ये पूरा शीशम वुड में किया है सर। ये देख सकते हैं आप शीशम की भी क्वालिटी, इसमें जो शीशम आपको दिख रही है इसके ग्रेन्स देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं, और इसको पूरा आप इसकी टेबल भी देख सकते हैं कि क्या लुक है शीशम की। ये पूरा का पूरा फोर सीटर सर 25,000 का आपको पड़ेगा। ठीक है, 25,000 का शीशम वुड का फर्नीचर, और शीशम वुड मतलब एक सॉलिड वुड होती है, ये एक ऐसी लकड़ है ना कि मैंने एक लाइन बोली थी कि बच्चे ना टीन से सीनियर सिटीजन हो जाते हैं जी, तब भी ये वुड चलती है और उसके आगे भी चलती है, खराब नहीं होती। बिल्कुल सर, ये फायदा है इसका। इसका आप पूरी इसकी लुक जो है सर, पूरी इसकी चेयर की, ये चेयर की लुक बहुत पसंद आती है लोगों को, ये पूरी नीचे तक जाती है, ऐसा नहीं कि हमने इसमें चार पैर देके इसको नॉर्मल लुक दे दिया, इस पे पूरी एक बहुत अच्छी लुक आती है इस चेयर के साथ। सॉलिड वुड में ना 25,000 में ये चीज मिल जाए बहुत, मेरे पता क्या होती है ये आपकी जिंदगी भर चलने का ही नहीं जाने। बिल्कुल सर। अब जो आपके साथ में ये सागवान प्लस ये हमारा ऑनेक्स रखा हुआ है ना, इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अरे सर, हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए तो काफी कुछ ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, इसमें पॉलिएस्टर की चेयर्स और अभी तो काफी कुछ आपको डाइनिंग में मिलेगा। चल रहा है अभी जी सर, तो दिखाएंगे। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर जितना था हमने दिखाया जी, अभी उस वाले फ्लोर का भी दिखाना है जी सर। तो आप उस फ्लोर पर चले या पहले फैक्ट्री चले? सर ऐसा करते हैं, पहले आपको फ्रंट और बैक दिखाते हैं जो हमने अभी मिस कर दी है। पहले फैक्ट्री चलते हैं मेरे हिसाब से, फैक्ट्री के बाद फाइनल वहां चलेंगे अपने उस वाले फ्लोर पर, जैसा आपको ठीक लगे सर। चलिए फैक्ट्री चलते हैं। तो आइए सर फैक्ट्री देखते हैं कि जहाँ पे हमारा सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। ठीक है, मतलब आइए यहाँ से वो सारा फर्नीचर तैयार होके आपके उन फ्लोर्स पर जाता है। बिल्कुल। वहाँ जाने से पहले आपकी क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ मैं। अब ये रॉ है तो रॉ आपको दिख रही होगी, ये कोर्स मतलब इसके पत्ते पत्ते दिख रहे हैं कि ये प्लाई की पहचान है, और इसका लालपन, और साथ में रखा हुआ है ये ग्रीन कलर का हमारा HDHMR। अब कुछ कस्टमर्स पूछेंगे कि ये है क्या, ग्रीन कलर का HDHMR जी। ये देखिए इसके पूरे HDHMR के बड़े पीसेस भी आपको पूरे दिखेंगे। इसमें एक तरफ सनमाइका लगा होता है कि जिसमें लैमिनेट जिनको चाहिए। ये HDHMR आप पूछेंगे होता क्या, क्या होता? ये होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। बेसिकली जिनके घर में काफी ज्यादा मॉइस्चर या पानी की दिक्कत रहती है, दीमक की काफी दिक्कत रहती है, वो HDHMR यूज कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे HDHMR बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और मेक श्योर करता है कि ना दीमक की दिक्कत आए और ना ही पानी वगैरह से खराबी आए उसमें। साफ भाषा बोलूं, जिनके घर में कभी कभार HDHMR हमारे दीवार पे लगाने के भी काम आ जाते हैं जी, या सीलन मिलन आते हैं ना जी सर। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग रेकमेंड क्या करते हैं क्लाइंट्स को, कि और जो हमारी क्लाइंट्स हमारी रेकमेंडेशन के हिसाब से चलते हैं जो फैब्रिक की तरफ से, जैसे देखिए ये इसके ऊपर हमने जिनको चेस्ट ऑफ व्हील चाहिए था पूरा, ये साइड है एक्चुअली, ये बॉक्स का साइड है, ये बॉक्स है एक, जैसे सामने लगा हुआ यही बात कर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये देखिए हमने उनको पूरा चेस्ट ऑफ व्हील में बैठ चाहिए था, और दे वेंट विद आवर रेकमेंडेशन एज वेल कि साइड्स में हमने बोला कि पूरा चेस्ट ऑफ व्हील कर देते हैं और ऊपर टीक वुड कर देते हैं कि जिससे उनको कोई इशू ना आए, ये पूरा सागवान है। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सागवान के पूरे पीसेस पीछे भी चल रहे हैं, सागवान की उसकी फिनिशिंग देख सकते हैं साथ में पॉलिश की, ये पैक होके एक्चुअली निकल ही रहा था कि हमने इनको रोक लिया बीच में। ठीक है। एंड इसके ऊपर पूरा डीको है, सामने भी सेम चेस्टरफील्ड का डिजाइन, सेम जितनी मोटाई सागवान की पीछे है उतनी ही सामने है, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी आपको पूरी सेम वर्कआउट देखेंगे, वर्कआउट दिखेगा उसी तरीके से चेस्टरफील्ड और उसी तरीके से सागवान दिखेगा ऊपर। ठीक है जी। अब इसके साथ में ये तो चलो आपने पहले भी दिखाया था जी, ये बहुत प्यारे साइड टेबल्स रखे हुए जी सर, इसके बारे में बात करिए सर। सर ये साइड टेबल्स हमने अभी शोरूम में एक कुछ बेड्स देखे थे, ये सारे के सारे साइड टेबल्स उनके साथ के हैं। आइए। ठीक है, ये क्या कह रहे थे आप? ये पूरा पीयू में साइड टेबल है, अगेन मैंने जो आपको बताया था इसमें हमने जड़ से पीयू करी है, इसके ऊपर आप कुछ ठंडा रखते हैं गर्म रखते हैं, इसके ऊपर स्क्रैचेस आने की चांस ही नहीं है, इसमें आपको शीशा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर जड़ से पीयू है।
अब ये मतलब बहुत प्यारा पीस लग रहा है व्हाइट वाला मेरे को। जी सर, ये एक्चुअली क्रीम कलर का है। ये जो आपने हमारे दो बेड्स एक्चुअली कल ही गए कस्टमर के, उनके साइड टेबल्स और मैट्रेसेस और एक चेयर जानी है आज। अब इसमें नॉब बड़े प्यारे लगा हुआ ब्लैक कलर का। बिल्कुल सर, बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी सर, ये देखिए इसमें इसके जो चैनल्स हैं वो भी सारे ओजोन के लगे हैं। अंदर भी पूरा पीयू मिलेगा आपको ड्रॉर्स के अंदर, सारे आपको चैनल की कंपनी भी साइड में देखेगी। ओजोन दिखा दिया मैंने जी, और यहाँ पे अंदर भी पूरा पीयू हुआ पड़ा है, देख सकते हैं आप ये। और इस इन चैनल्स में क्या है कि ये अंदर जाके लॉक हो जाता है, अब ये खुलेगा नहीं, लॉक लगे होते हैं, ये लॉक लग गया इसमें। अब ये मतलब कि अपने आप हिलाने पे नहीं खुलेगा इस तरह। ये अच्छी कंपनी के जो चैनल्स होते हैं, हेटिक हो गया, ओजोन हो गए, इन सब में ये इश्यूज नहीं आते कि अपने आप ओपन होने के चैनल्स के। अब देखिए मैं ना प्राइस की बात ऐसी छेड़ूंगा पर अभी बताना मत जी। एक आइडिया दे देना कि कभी मैं अपने घर के लिए ऐसी साइड टेबल जिसमें पूरा प्यू पॉलिश, और ये सर सिर्फ पीयू के अलावा चैनल, छह चैनल्स के अलावा और पूरी जड़ से पीयू के अलावा, नीचे जो आपको चौकी दिख रही है ये पूरी सागवान में की है। बिल्कुल ठीक है, ये पूरी सागवान की चौकी क्या करते है कि उसके अगर हमें रेशे दिखाने ना तो सागवान लगा दे। जी जी, और हमने पीयू करके भी पूरी नीचे सागवान लगाई है। ठीक है, उसके साथ में एक और मेरे ख्याल से इसी बेड के साथ की है ये साइड टेबल। एक्चुअली एक और बेड की है सर, जो हमने अभी उधर देखा था स्टूडियो में, इसमें हमने पूरा टीक का विनियर लगा के ऊपर पूरी मेलामाइन जीवन जोड़ के करके सामने पीयू पॉलिश कर दी है। और ये लॉक्स इसे लगाए हैं क्योंकि कस्टमर की खास रिक्वेस्ट थी कि हमें गोदरेज के लॉक्स चाहिए सामने। मतलब जैसे भी आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, बिल्कुल जो कुछ ऐड कराना चाहते हैं वो सर को चाहिए, वो ऐड हो जाएगा। जी सर, और ये सर की टीम है जी जो ये काम करती है इतना प्यारा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो आप कुछ रहता है क्या? एक्चुअली सर बस एक बार दिखा देते हैं पीछे, ये पॉलिश वाली यूनिट आपकी जहाँ पॉलिश होती है आपकी, देखिए अब ये रॉ भी देखिए आपको, इसमें पूरा HDHMR लगा हुआ है जी, है ना, यहाँ सारी पॉलिश होती है। और एक ये देखिए पूरे पीयू के ही बॉक्सेस में ले गए, कोई और कंपनी के बॉक्सेस नहीं है, तो ये बताता है कि सिर्फ पीयू ही लगता है। और सिर्फ पीयू, और जैसा कि मैंने आपको बताया सर, ये एशियन पेंट्स ही डलेगा सारा का सारा हमारा जो पीयू है। और अगर कोई कस्टमर बोले तो बर्जर भी यूज होता है। जी जी, बर्जर बिल्कुल। मैं प्यू बोल दिया, मैंने एशियन पेंट्स बोल रहा था पर मेरे मुंह से प्यू निकल गया। एशियन पेंट्स का प्यू लगता है सिर्फ। और ये देखिए जैसा कि मैंने आपको जीवन जोड़ की मेलामाइन की बात करी थी, सब जीवन जोड़ है सर, मैं इसमें कहीं पे भी ये सारे जीवन जोड़ पर रहे हैं सर। जी जी, ये सब जीवन जोड़ ही है। ठीक है, तो चाम वुड जीवन जोड़ एक ही चीज है जी। कभी ये जीवन जोड़ यहाँ पे नाम लिखा है सर। हाँ, वो दिखा दिया। जी सर जी, अभी बहुत प्यारा पीस तैयार हो रहा है आपका। बिल्कुल सर, एक ही कस्टमर, ये एक्चुअली ये बैक है बेड की, और इसका ये बैक है एक्चुअली, यहाँ पे पूरा फैब्रिक लगना है, और ये उसकी फ्रंट है, फ्रंट है। इसकी बैक अभी तैयार हो रही है इस बेड की, इस हेड बोर्ड अलग अलग है ये सर, ये एक हेडबोर्ड है पीछे, वो हेडबोर्ड हो गया, ये फ्रंट बोर्ड हो गया जी। और ये किसी और बेड का हेडबोर्ड है, इसका फ्रंट बोर्ड अभी रेडी हो रहा है जी सर। और ये पूरा का पूरा इस पे व्हाइट पीयू होना है, इन्हीं कस्टमर्स का है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस पे मैट पीयू की जा रही है, मैट आपको देखिए इसमें ग्लॉस नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये सारा का सारा मैट पीयू है, इस पे मैट पीयू डलेगा सारा। ठीक है, ये सर जी है जो पूरा काम करते हैं, ये जी बहुत जोर से काम करते हैं। ठीक है, ये राजनाथ जी है और ये राजू जी है, ये हमारे साथ पिछले 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं ये सर जी। सर सारा का सारा पीयू की पॉलिश, सारा स्प्रे पेंट, इन्हीं सर का काम है। अगर बचपन आपने ये बताया अपना, ठीक है बहुत बढ़िया। अब चलते हैं वहीं पर आपके स्टोर पर जी, और जो कुछ बेड्स रह गए थे उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, आइए सर। ये देखिए एक और बेड की साइड्स है हमारे पास, ये पूरी एशियन पेंट्स की पीयू पॉलिश में, और पूरा आप चेस्टरफील्ड में इसकी फैब्रिक की क्वालिटी भी देख सकते हैं कि क्या फैब्रिक का कलर है और क्या इसकी टेक्सचर है और क्या इसकी फिनिशिंग है चेस्टरफील्ड में। जबरदस्त, एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा, और टेक्सचर भी देखिए आप फैब्रिक उसका जी, और पूरी एशियन पेंट्स की पीयू में रहेगा जी सर। वो जो आपने बताया था क्यू बॉर्डर इसका, बिल्कुल बिल्कुल घुमाया जाता है यहाँ पे। अब ये देखिए ये पूरा टीक वुड में बेड है, इसको हनी फिनिश भी कहा जाता है। ये पूरी टीक वुड के आपको रेशे दिख रहे होंगे, ये रेशे देखिए इसके, इस पे हाथ भी अगर आप कोई कस्टमर आके फेरते हैं, अगर उनके अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे आने की, तो उसमें सॉफ्टनेस दिखेगी उनकी, कितनी सॉफ्टनेस है इसमें, कहीं पे भी रफनेस नहीं है यहाँ पे जो टेक नॉर्मल टीक वुड में दिखते हैं। तो अभी जो आपने बेड सिखाए ये वाले या फुल कवर्ड, उनके प्राइस बताए, तो अभी ये टीक वुड वाला बेड कितना देते हैं आप? 35,000 से पूरा बेड। और साइड पर भी सेम विनियर ऐसा होगा? बिल्कुल सर बिल्कुल, सारा ये सेम इसी तरीके से रहेगा, ये वर्क साइड में रहेगा जी सर जी। आइए, तो ये बेड जैसे इन बेड्स के क्या प्राइस रहते हैं, जो ये वाला एक है या ये वाला है? सेम सर, सेम रेंज में रहेगा, इसमें आसपास हमने पीयू किया है, 35,000 में रहेगा ये देखिए। जी, और ये वाला, ये बहुत प्यारा पीस लग रहा है जी सर। आइए देखिए,
सेम वाइट पीयू एशियन पेंट्स का इस पे। इसमें भी अगर आप देखें इसकी जो हमारी पीयू की जो सॉफ्टनेस है और सर जो फिनिशिंग आती है एंड में वो बहुत अच्छी लगती है लोगों को। ठीक है, तो ये भी 3 वाइब हो गया ना? जी सर जी, मेरे ख्याल से अभी हमने सब दिखा दिए जितने बेड थे हमने दिखा दिए, और भी हमारे पास दो साइड। अच्छा रखिए जी सर। ठीक है आइए, ये हमारा 4 फीट है मेरे ख्याल से ना, ये वाला 4 फीट है जी, और वो वाला 5 फीट हमारा जी सर। ठीक है, जल्दी से बेड दिखाते हैं। और मैंने दो चेयर देखी है, बहुत प्यारे लग रही है, वो भी दिखाएंगे। आइए ये देख सकते हैं सर, ये भी पूरा टीक वुड में है, लेकिन कुछ कस्टमर्स को नीचे टीक वुड के साथ साथ अपोल्स्ट्री चाहिए होती है, जैसे अभी आपकी फैक्ट्री में दिखाया था हमने जी सर, तो वैसा ही पूरी उसमें चेस्टरफील्ड की फिनिशिंग में है टीक वुड में। आपकी क्वालिटी और आपकी जो पॉलिश करना, तो मैं फैन हूँ, मजाक नहीं कर रहा। थैंक यू सर, आप देते जी। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये, मतलब मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ आपको कि कस्टमर्स को काफ़ी डिज़ाइंस मिलेंगे, और हमारे पास हमारी कैटलॉग्स में भी अराउंड 160-180 डिज़ाइंस है सिर्फ बेड्स के ही। तो उसमें हमने अपने बेड्स जो हमने आज तक बनाए हैं, कॉम्पिलेशन हमारी फैक्ट्रीज में जो होलसेल बेड्स गए हैं, पिंटरेस्ट के बहुत अच्छे डिज़ाइंस जो हम बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, हम ऐसा कोई डिज़ाइन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे जो हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो आपको सारे वही डिज़ाइंस मिलेंगे, और उसमें काफ़ी सारी कैटलॉग्स में हमारे प्राइसेज भी मेंशन है, या फिर मैं आपको रेंज भी दूंगा कि इस प्राइस के साथ शुरू हो जाएंगे आपके बेड्स और इसके साथ जाएंगे। मतलब आप कोई भी बेड की अगर मेरे से बात करें, चाहे वो टीक वुड की बात हो या फिर पीयू पॉलिश में चेस्टरफील्ड की बात हो, इसमें एक रेंज होती है कि आप इसके साथ 25,000 में भी ये ऐसा ही बेड बनवा सकते हैं, 35,000 में भी बनवा सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि आप समझ रहे होंगे क्वालिटी का फर्क आएगा। यस जी सर, बेड दिखा दिया। अब ये बहुत प्यारी चेयर्स रखी हुई है, इनके बारे में बताइए, जो हमारे विंग बैक बोल लीजिए, बैक फुल्ड हो गया, हाई बैक बोल लीजिए सर। ये चेयर्स मैंने हमारी पिछली वीडियो, अगर आप क्राफ्टेजिंग डालते हैं यूट्यूब पे, तो आपको हमारी बहुत सारी सोफा की और चेयर्स की कलेक्शन भी दिखेगी। ये हाई बैक चेयर्स हैं, बेसिकली पूरी पीयू पिन होल की सीट्स हैं इसमें, बहुत कंफर्टेबल है, इसमें पूरा अंदर आप बैठ के महाराजा वाली फीलिंग आएगी आपको इधर बैठ के। और ये चेयर्स आप अपने बेडरूम्स में भी रख सकते हैं, और उसी के साथ आप अपने लिविंग रूम्स में या ड्राइंग रूम्स में भी रख सकते हैं, इन्हें महाराजा चेयर्स कहा जाता है। घर के किसी भी रूम में हम इन्हें रख सकते हैं। बिल्कुल सर। अब इनका डिजाइन, मतलब इसके जो ये विंग्स है, क्या कर्व्स सर, आप इसके कर्व्स के साथ चेस्टर की फिनिशिंग देखिए बीच में, इसको विदाउट बटन चेस्टर फील कहा जाता है। और जिनका ये 3+2 सोफा जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, जिनके साथ की उनकी रॉकिंग चेयर्स भी है पूरी टीक वुड में, उन्हीं की ये चेयर्स, उन्हीं की ये हाई बैक चेयर्स हैं, उन्हीं उसी कस्टमर की ये चेस्टरफील्ड सोफा है, जैसा आप देख सकते हैं सेम फैब्रिक में और सेम चेस्टरफील्ड डिजाइन में, और ये पूरी टीक वुड में हमारी है। बिल्कुल सर, और ये बहुत हैवी इसकी लकड़ है, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं इसमें, जिस जो आपको एक सस्ता भी पड़ेगा, रफली 7500 की एक रेंज में आता है, दिस वन इज अ मोर एक्सपेंसिव वेरिएंट। हम आपको दोनों वेरिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लकड़ की ये चौड़ाई है, ये 2 इंच की है, वो 1 इंच की होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसके आपको कस्टमर्स को, यहाँ तक कि अभी नेक्स्ट डाइनिंग की वीडियो में आपको एक पीस दिखाऊंगा मैं, यहाँ तक कि मैं उस वीडियो के लिए ये प्लान कर रहा हूँ सर कि मैं आपको वेइंग स्केल पे उसका वेट दिखाऊंगा एक चेयर का। बहुत बढ़िया। अच्छा कि ये क्या टीक वुड, क्या उसकी क्या हैवी वेट है, उसका कितनी हैवी है चेयर, कि जो हमारे बैठे दर्शक हैं आपका जो चैनल देख रहे हैं, वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी हैवी एक्चुअल चेयर्स हैं, वो अपने चेयर को कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ। और ये जो रेशे आप देख रहे हैं, ये नेचुरल रेशे है। अब कुछ कुछ लोग ना स्कैम भी करते हैं मार्केट में, वो नकली रेशे बना देते हैं सर, वो पेंट के साथ बना देते हैं, ये पूरे सागवान के नेचुरल रेशे हैं। और कुछ कस्टमर्स जो लेना चाहते हैं, हम उनको कोरा भी दिखाते हैं, बिना पॉलिश के पूरा उनको कोरा दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपकी ये चेयर है, इसके ऊपर पॉलिश डाली जाएगी। ठीक है, तो अभी ये रॉकिंग चेयर कितने की दे रहे हैं आप सर? ये सेम पीस हम 10,000 का दे रहे हैं, 10,000 जी, पूरा टीक वुड में। और जो ये चेयर थी जिसपे आर्म्स का, मतलब क्या जबरदस्त आर्म है इसके, बहुत कंफर्टेबल है सर, इसकी जो फोम है, इसका जो कंफर्ट है, ये बहुत अच्छे लेवल पे, देखिए इसकी फोम की क्वालिटी देखिए, कि इसमें जो कंफर्ट आ रहा है, ये बहुत अमेजिंग है। कितने की चेयर दे रहे हैं आप ये सिंगल? सर ये एक चेयर 15,000 की है, वही सेम प्राइसेस जो हमने 5 मंथ्स पहले कोट किए थे अपनी वीडियो में। 5 मंथ्स में हमने इसका प्राइसेस में, हम बिना क्वालिटी को डिक्रीज करें, सेम फिनिशिंग में और सेम क्वालिटी में 15,000 की दे रहे हैं, और ये पेयर आपको 28 का पड़ेगा, 28 का 14,000 आपको एक पड़ जाएगी अगर आप पेयर लेते हैं जी सर। इसमें इसके लेग्स ओरिएंटल और इसकी फिनिशिंग चेक करिए, बहुत जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से अब सब दिखा दिया हमने ना जी सर जी, वीडियो एंड जी सर। ठीक है, तो पीछे जो ये आप देख रहे हैं, जो क्या बना रखे हैं सर ने फ्रेम, शो भी है सर, ये एक्चुअली मेरी सिस्टर है, आपके अपना स्केच भी बना के देंगी आपको। ठीक है, वो बात करें किस दिन, उसके बारे में बात करेंगे जी। अभी वीडियो एंड करते हैं, सब दिखा दिया, सब बता दिया, और काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी दी जी सर। तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे एक बार
सर, मैं आपके सारे व्यूअर्स को एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली, मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके सारे व्यूअर्स से, हमें फ़ोन आते हैं कि सर आपकी बेड की रेंज कितने से स्टार्ट हो रही है, तो मैं उनको एक आइडिया देता हूँ मैम कि 30,000 से स्टार्ट है या 35 से स्टार्ट है। बोलते हैं आपके बेड्स तो बहुत महंगे हैं सर, मुझे तो 20,000 की स्टार्टिंग रेंज मिल रही है। देखिए, जो चीज़ वो बना रहे हैं 20,000 की, वो मैं भी बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते, वो 20,000 की रेंज में मैं भी बना सकता हूँ, मैं 50,000 का भी, हम भी बना सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि जो 30,000 में आपको रेकमेंड कर रहा हूँ इज द रेकमेंडेड फिनिशिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि इस क्वालिटी में 30,000 में आपकी कोई इशू नहीं आने वाला। आप बोले तो 50,000 का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, आप बोले तो 20,000 के, यहाँ तक कि 15,000 का बेड भी बन सकता है। 15,000 में विद हेडबोर्ड, फ्रंट बोर्ड एंड बॉक्सेस मैं आपको पूरा बेड दे सकता हूँ, यहाँ तक कि इन द पास्ट वी हैव इवन मेड बेड्स ऑफ 12,000 एज वेल। जी, 12,000 में हमने किसी के लिए 100 बेड्स बना के एक होटल पे सप्लाई किए थे फॉर 12,000 फॉर अ बेड ईच विथ स्टोरेज, उसके अंदर स्टोरेज भी थी। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ 12,000 का पूरा बेड, और उसकी भी हमने 5 years की वारंटी दी थी पूरे बेड की, पॉलिश की उतनी नहीं दी थी, लेकिन हमने पूरे बेड की दी थी विद रफ यूजेज। आप सोच सकते हैं होटल में किस तरीके से बेड यूज होते हैं आपके रोज, जितना होटल में रफ यूजेज होती है बेड्स की, उतनी किसी घर में नहीं होती है। जी, 12,000 भी इसलिए दे क्योंकि क्वांटिटी थी वहां पर, क्वांटिटी थी सर, और वही क्वालिटी में मैं 13,000 में भी दे सकता हूँ बेड, 14,000 15,000 में भी वो बेड्स मिल सकते हैं उसी प्राइस रेंज में। बट वो क्वालिटी अगर आप सोचें कि पीयू पॉलिश होगी या वो एचआर फोम होगी या वो 400 रुपीज मीटर कपड़ा होगा या वो जीवन जोड़ पॉलिश होगी, वो नहीं होगी। प्लाई सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपकी कम हो जाता है, एमएम कम हो जाते हैं उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है, हर चीज में फर्क आ जाता है। आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपकी बेड की लाइफ बढ़ानी है, आपको देखिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा बेड कम से कम 10-15 साल चले, उसके लिए द बेस्ट रेंज इज 30-35,000। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमारा ऐसा डिजाइनर बेड हो कि कोई भी घर पे आके बोले वाह कहाँ से बेड लिया आपने, तब वो 35-40 में भी आपको वैसे बेड्स मिल जाएंगे कि जो आपको बिल्कुल डिजाइनर पिंटरेस्ट वाले बेड्स। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 20-25 के ही बेड्स चाहिए, तो आप वैसे भी बेड्स ले सकते हैं, हम बना सकते हैं वो भी, ठीक है। बहुत मतलब यहाँ पर आप 20,000 का बेड ले लीजिए, 50,000 का बेड ले लीजिए, जी बस हाँ क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि क्वालिटी का फर्क रहेगा, यहाँ तक कि पीयू के कितने कोट्स होने उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सर एक कोट, हम जो कस्टमर्स हैं या हम भी कई बार जब कुछ और लेने जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये तो मार्केट प्राइस पीयू का तो इतना ही आता है, लेकिन ना हम उसमें मशीन का कॉस्ट देखते हैं, ना हम लेबर का कॉस्ट देखते हैं उसमें, और ना उसके ऊपर जो और पीयू के अलावा जो और चीजें लगनी है, ग्लॉस लगना है, हार्डनर लगना है या फिर उसके बेस लगने हैं, वो उस किसी की चीज का कॉस्ट नहीं लिया जाता साथ में, ठीक है। मतलब हर बजट में आपको यहाँ पे बेड मिल जाएगा। जी बिल्कुल सर, क्वालिटी आपको दिखा दी हुई फैक्ट्री में कि वहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस सिर्फ एशियन पीयू के ही। बिल्कुल सर, हम लोग जो चीज आपको बोलेंगे वही चीज आपको मिलेगी। अगर मेलामाइन जीवन जोड़ बोला है तो जीवन जोड़ ही होगा, अगर चैनल जो मैंने आपको ओजोन के बताए तो वो ओजोन ही होंगे हर जगह पे, चाहे वो इनसाइड टेबल्स की बात हो जो प्लेन व्हाइट पीयू में है, जो हर बेड व्हाइट पीयू के साथ जा सकते हैं, या वो बिल्कुल कस्टमाइज साइड टेबल्स हो जो एक कस्टमर्स की वहां पे पड़ी थी, ठीक है। जी सर, तो आप करें वीडियो एंड। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच मुझे आज कुछ नया बताने के लिए और इतना अच्छे बेड समय दिखाने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।